हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बजाज डोमिनार 250 के न्यू कलर जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि बजाज डोमिनार 250 में नए कलर ऑप्शन आपको अब आके देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मतलब लॉन्च किए गए नए कलर ऑप्शन जो कि इनकी ऑफिशियल साइट में भी आप लोग जाकर देखते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो फोटोज है गाइस न्यू कलर की वो आ चुकी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इन कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से कलर्स आए हैं, क्या न्यू प्राइस है डोमिनार 250 का उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एंड कलर ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। गाइस तीनों ही कलर साथ में देखेंगे और ये बात करेंगे कि क्या आपको नॉर्मल चेंजेस मिल रहे हैं, क्या क्या ग्राफिक्स के हिसाब से बाइक में डिजाइन किया गया है। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियो अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। गाइस हमारे लिए प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, आप लोग जानते ही हैं। गाइस अगर बात करें बजाज डोमिनार 250 के एक्सरूम प्राइस के बारे में, गाइस काफी कम रेट हो गया है, 1,55,000, 1,55,000 रुपए के आसपास की ये आपको एक्सरूम प्राइस आ रही है। जैसे आपको पता है गाइस कुछ दिन पहले इसमें जो प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ था, तो 20,000 रुपए के आसपास का प्राइस ड्रॉप हुआ था। दोस्तों बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइस, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। गाइस ये बाइक हमारे यहाँ 1,82,000 के आसपास, 1,82,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस आ रही है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस है प्लीज अगर आपको बताओ तो कमेंट करके जरूर बताना है। मैं आपको बता दूं RS 200 और डोमिनार 250 का जो रेट है गाइस, मतलब प्राइस है, वो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं न्यू कलर ऑप्शन के बारे में। कलर ऑप्शन में कौन कौन से कलर ऑप्शन है और क्या क्या ग्राफिक आप फोटोज के हिसाब से देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो आपको कलर ऑप्शन मिल रहा है गाइस वो है स्पार्कलिंग ब्लैक। अब ये जो ब्लैक कलर है गाइस, न्यू ब्लैक कलर आपको मिलेगा बजाज की तरफ से। पहले जो ब्लैक कलर आता था गाइस, वो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसके जो व्हील थे गाइस वो आपको ब्लैक मिलते थे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस ब्लैक कलर को अच्छी तरीके से देखेंगे तो भाई यहाँ पे आप व्हील आपको व्हाइट मिल रही है, क्योंकि यार बजाज वालों को पता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने RS NS निकाली थी व्हाइट व्हील के साथ में, किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी, वापस से उन्होंने ब्लैक कर दिया उन बाइक्स को। तो भाई इसमें यार व्हाइट कलर देने का क्या मेरे को सेंस होता है बजाज की तरफ से, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता यार। व्हाइट कलर उनको समझ में आनी चाहिए कि भाई जो व्हाइट है भाई वो उतनी लोगों को पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ बजाज वालों को समझना चाहिए, बट नहीं, वो लोग पता नहीं इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं गाइस। अब ये कलर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले जो ये न्यू स्पार्किंग ब्लैक है, इसमें आप लोगों को टैंक में भी व्हाइट की रैपिंग मिल रही है, चेसी के ऊपर जो काउल है उसमें भी आपको व्हाइट रैपिंग मिल रही है, मतलब व्हाइट पेंट मिल रहा है। साथ में जो व्हील मिल रहे हैं आपको बाइक में अलॉय व्हील, वो भी आपको इसमें व्हाइट देखने को मिल रहे हैं। अब डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों को ये कलर ऑप्शन पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मैं बोलूंगा ये कलर ऑप्शन उतना बेटर नहीं है, खासकर जो व्हाइट व्हील जो है ना गाइस, वो बाइक का जो लुक है ना वो काफी खराब करती है। मुझे लगता है ब्लैक व्हील ना ज्यादा बेटर होती है और बाइक काफी बेटर भी लगती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कलर ऑप्शन के बारे में, तो है दोस्तों न्यू रेसिंग रेट। अब रेसिंग रेट दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये न्यू रेसिंग रेट आपको मिल रहा है। पहले भी आप लोगों को एक रेसिंग रेट मिलता था डोमिनार में जो कि एकदम ही रेड था और उसमें जो व्हील आती थी वो ब्लैक वाली आती थी। अब इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप ऑब्वियसली बात है इसमें भी आपको जो व्हील मिल रही है वो व्हाइट पेंट में मिल रही है, व्हाइट कलर की व्हील्स आपको इसमें डिजाइन की गई है। प्लस दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपको इसका जो टैंक है, टैंक में भी आपको व्हाइट पेंट विद व्हाइट ग्राफिक विद रेड ग्राफिक देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ सिल्वर ग्राफिक्स भी आपको बाइक में मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों अगर ये कलर ऑप्शन अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो ओल्ड वाला राइट कलर था वो ज्यादा बेटर लगता था कंपेयर टू दिस वन कलर इज मच बेटर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ओल्ड से ज्यादा बेटर है, ये अच्छा लग रहा है कलर वो ठीक है, बट अगर ओल्ड से कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बेटर लगने वाला। और मैं आपको बजाज वालों को क्लियर कर दूं ये चीज कि भाई आपके जो पल्सर लवर्स है, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको आपकी बाइक में व्हाइट व्हील एंड व्हाइट चेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जैसे आपको पता ही है कुछ दिन पहले NSRS में जब व्हाइट व्हील व्हाइट चेसी आया था तो उसकी सेलिंग कितनी डाउन हो गई थी, आप लोगों ने कलर फिर से वापस ब्लैक में ला दिया, तो फिर आप लोग डोमिनार को क्यों बर्बाद कर रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट कलर के बारे में, तो ये आपको सिट्रस न्यू कलर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि येलो डोमी है, हाँ कुछ कुछ येलो डोमी आपको थोड़ी सी येलो टाइप की देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको येलो ग्राफिक विथ व्हाइट
ग्राफिक देखने को मिल रहा है टैंक में। चेसी के ऊपर जो काउल होते हैं उसमें आपको फुली व्हाइट कलर मिलेगा एंड इसके भी जो व्हील है वो भी आपको व्हाइट में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों ये तो फोटो के हिसाब से हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बार बाइक जब शोरूम आएगी सामने से हम वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन दोस्तों फिर भी मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कलर ऑप्शन है उतने बेटर नहीं होने वाले जितने ओल्ड कलर होते हैं। इसमें मेरे हिसाब से जो ब्लैक व्हील अगर होती ना तो भाई ये कलर ऑप्शन काफी अच्छे होते हैं, यहाँ पे बजाज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।